Hey Six Science, welcome to today's class of Divine Public School. In our last class, we just started a new chapter called Sorting Materials into Groups. उसके अंदर हमने चीजों को क्लासिफाइड करना सीखा अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, देयर स्टेट, देयर कलर एंड मैनी मोर एस्पेक्ट्स. आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की. प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस को डिफाइन करती है. प्रॉपर्टीज के आधार पर ही हम अलग अलग सब्सटेंस को यूज करते हैं. अगर मुझे कोई चीज जलानी है तो मैं ऐसी सब्सटेंस यूज करूंगा जो मुझे ज्यादा फायर दें और धुआं कम दें. तो प्रॉपर्टीज क्या होती है सब्सटेंस की, किस तरह से प्रॉपर्टीज के आधार पर सब्सटेंस को सॉर्ट किया जाता है, आइए कुछ और बात इसके बारे में जानते हैं. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आगे का मैटर आपको समझ में नहीं आएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बचे, एग्जाम टाइम पर आपके अच्छे मार्क्स आए, चैप्टर पे आपकी पकड़ बनी रहे, तो आप लोगों को सारे वीडियोस एक ऑर्डर में देखने पड़ेंगे. चैप्टर के अंदर वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं. प्रॉपर्टीज के अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसको कहा जाता है अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट, कोई चीज किस तरह की दिखाई दे रही है. फॉर एग्जाम्पल कोल, कोल वर्ड आते ही हमारे माइंड में एक सब्सटेंस आ जाता है ब्लैक कलर का सॉलिड. मिल्क, मिल्क वर्ड आते ही आप लोगों के माइंड में एक चीज अपीयर हो जाती है व्हाइट कलर का कोई लिक्विड. सो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी जो प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंस की वो होता है उसका अपीयरेंस. अपीयरेंस के अंदर हम क्या चीज देखते हैं, अपीयरेंस के अंदर हम देखते हैं कि कोयला और लकड़ी दो अलग अलग सब्सटेंस, दोनों का सिंगल यूज क्या, जलाना, जला के अपनी एप्लीकेशन पूरी करना, उसका यूज पूरा करना. लेकिन हम देखते हैं कोयला ब्लैक दिखाई देता है और लकड़ी अलग ही दिखाई देती है. दूसरी तरफ अपन बात करते हैं मेटल्स की, गोल्ड और कॉपर. गोल्ड और कॉपर दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं. गोल्ड का कलर क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इट्स कलर इटसेल्फ गोल्डन. लेकिन कॉपर रेड ब्राउन होता है. लेकिन फिर भी दोनों की दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, दोनों की दोनों मेटल है. तो अपीयरेंस को लेकर हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं. यहाँ पे इस क्लास के अंदर आप जो पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस उसको सीखोगे. आगे हायर क्लासेस में जो वर्ड यूज किए जाते हैं, लस्चर क्या होता है, नॉन लस्चरस क्या होता है, इसकी सीढ़ी यहां से स्टार्ट होती है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक अपीयरेंस. कोल इज ब्लैक व्हाइल वुड अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कोल. कोयला काला है जबकि लकड़ी कोयले से अलग दिखाई देती है. लेकिन दोनों के सिमिलर यूज हैं, दोनों को ही जलाने के काम में लिया जाता है. गोल्ड इज गोल्डन येलो whereas copper is reddish brown. gold golden yellow color का होता है जबकि copper reddish brown होता है. लेकिन दोनों का ही use हम करते हैं metal के रूप में अलग अलग चीजों के लिए. देखिए at the same time there may be some similarities between the coal and wood or between gold and copper. इनके बीच में similarities क्या है अपन ने discuss कर चुकी है. gold और copper दोनों ही metals हैं, उनके ornaments बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं, वायर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग चीजें. हालांकि गोल्ड वगैरह के वायर्स नहीं बनाए जाते, गोल्ड काफी कॉस्टी होता है, बट हम उसका उस तरह से यूज ले सकते हैं. सो क्या सिमिलरिटीज होती है इनके बीच में, क्या सिमिलरिटीज नहीं होती इनके बीच में, आइए विचार करते हैं. इफ यू कट शाइनी मटेरियल इंटू टू पीसेस यू विल ऑब्जर्व दैट सरफेस ऑफ सम डल अपीयरिंग ऑब्जेक्ट शाइन्स. आपको कोई भी एक शाइनी सरफेस लिखना है, आप उसको काटोगे तो आप देखोगे जो बाहर वाला डल पार्ट है वो अंदर से और ज्यादा चमकता हुआ निकलेगा. खास तौर से इफ ए कॉपर वायर और एन आयरन रोड इज कट, अगर किसी कॉपर वायर को या आयरन रोड को आप काटोगे तो जो नया कटा हुआ भाग है, जो नया कटा हुआ हिस्सा है, वो पहले के जो कंपैरिजन में ज्यादा शाइनी निकलेगा. इफ ए कॉपर वायर और एन आयरन रोड इज कट
its surface appears shiny, while it does not happen in case of wood of chalk. ये का यही कॉन्सेप्ट अपन को अब लकड़ी के ऊपर लगाना है या चोक के ऊपर लगाना है. आप चोक को काटिए, क्या चोक का अंदर वाला पार्ट उतना ही शाइनी निकलेगा? नहीं. खुद विचार कीजिए, गोल्ड को मैंने काटा, आयरन को मैंने काटा, कॉपर को मैंने काटा, तो जो हिस्सा है जहां से उसको काटा है वो वाला हिस्सा निकलता है चमकता हुआ. लेकिन अगर मैं कोयले को काटूं, लकड़ी को काटूं, चोक को काटूं, तो उसका जो अंदर का फ्रेश कटा हुआ हिस्सा है वो वैसा का वैसा ही रहता है जैसे पुराना था. मतलब एक चीज चमकती है और एक चीज नहीं चमकती. जो चमकती है उसको बोलते हैं लस्ट्रस. जनरली मेटल्स को अगर अपन बीच में से काटते हैं तो हर बार जो शाइनी सरफेस निकलती है कटे हुए भाग पर, तो मेटल क्या हुए? लस्ट्रस. और जो नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि जो मेटल नहीं है, नॉन मेटल हैं, जो धातु नहीं है, जिनको गिराने पर आवाज नहीं आती, जिनको हम तार नहीं बना सकते, जिनको हम पीट के चद्दर नहीं बना सकते, वो सब होते हैं नॉन मेटल्स. और उनका जो सरफेस है वो अंदर से लस्ट्रस नहीं निकलता. हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शाइनी सरफेस ओनली मेटल्स. शाइनी सरफेस सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में से निकलता है. मैंने कहा था आप लोगों से, द कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड लस्टर. ये जो चमकती हुई सतह निकली है, इस चमक को कहा जाता है साइंस के अंदर लस्टर. एग्जाम्पल, गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम आर लस्टरस. गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये लस्टरस है, चमकदार चीजें. वुड, प्लास्टिक, चोक आर नॉन लस्टरस. तो वुड, प्लास्टिक, चोक, इनमें चमक नहीं होती, इन्हें कहा जाता है नॉन लस्टरस. जिसमें चमक होती है लस्टरस, जनरली मेटल्स. जिसमें चमक नहीं होती नॉन लस्टरस, जनरली नॉन मेटल्स. आई होप आपको पास सब्सटेंस को सॉर्ट करने का एक बहाना और मिल गया, एक कैटेगरी और मिल गई आपको. चीजें जो चमकती है उन्हें एक ग्रुप में डाला जा सकता है, चीजें जो नहीं चमकती उन्हें दूसरे ग्रुप में डाला जा सकता है. आप बोर्ड पे लिखी हुई सभी नोट्स बना लीजिए कॉपी के अंदर, इनको रोज पढ़िए, रोज वीडियो को सुनिए. मैं आपसे दावा करता हूं आप लोगों को लास्ट टाइम पे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी. ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिए आप पॉज करके वीडियो को. अब ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिए. ये सब नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, इनका एक्सप्लेनेशन वीडियोस में मिलेगा और आप लोगों का काफी समय बचेगा लास्ट टाइम पे, क्योंकि वीडियो ज्यादा याद रहते हैं हमें नॉर्मली कॉपी में लिखे हुए टेक्स्ट से.